रिश्ते रूहानी होने चाहिए, क्योंकि दिल भर जाते हैं और जिस्म मर जाते हैं। आपकी दिल से की गई 100 बातें भी किसी को दिखाई नहीं देगी, पर गलती से आपने गुस्से में कुछ कह दिया तो लोग आपसे रिश्ता तक खत्म करते हैं। दास्तां सुनाओ और मजाक बन जाओ, बेहतर है मुस्कुराओ और खामोश रह जाओ। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में आवाज नहीं होती। सच पूछो तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब अपने स्वार्थ के कारण ही जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता, तब तक ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था उत्पन्न नहीं हो सकती। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। सुख में 100 मिले, दुख में मिले न एक, साथ कष्ट में जो रहे मित्र वही है नेक। किसी को कुछ मांगो तो इतने प्रेम से मांगो कि वो मना ही न कर पाए, और किसी को कुछ देना ही है तो इतना सम्मान दो कि वो आपका सम्मान करे। मोहब्बत तब बेमिसाल होती है जब चाहने वाला बेशुमार इज्जत करे। छुपाते हैं लोग मोहब्बत को बदनामी की तरह, वो इश्क ही क्या जो घुंघरू बांध नाच न सके मीरा की तरह। जिसके लफ्जों में हमें अपना अक्स मिलता है, बड़े नसीबों से ऐसा कोई शख्स मिलता है। प्रभु हर उस जगह दिख जाते हैं जहां हम देखना चाहते हैं। कोई आपसे नाराज है और उसे ये गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका ये गुरूर कभी टूटने मत देना। माफ हर किसी को किया जा सकता है, लेकिन दिल में जगह वापस मत दो। प्रभु कहते हैं, तू कर मत चिंता जो हुआ नहीं, मैं करूंगा वो जो तूने सोचा ही नहीं। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। हे प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना टूटे। सच्चे प्रेम की परिभाषा दुनिया में मैंने अलग अलग देखी है। सच्चा प्रेम क्या है ये तो मैंने अपने माता पिता से जाना है। जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी हार मान लेता है, उसे कभी कोई जीत नहीं सकता। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, लोग तो वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। सत्य की नाव डगमगाती जरूर है पर डूबती नहीं। दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, लेकिन खुद पर और प्रभु पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूट सकता।